फॉर अनदर बहुत डिस्टर्बेंस है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अमरावती अपने ससुराल, वो भी हिमालयन को फर्स्ट टाइम लेके। बस टॉप बॉक्स लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेन सामान है, कुछ देना है जैसे अयोध्या का प्रसाद, फिर और भी कुछ चीजें थाईलैंड से लाई हुई तो वो देंगे, और कुछ सामान लेके भी आएंगे तो शायद हमारी टेल भर जाएगी। अब पैनर लेके कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि 100 किलोमीटर ही है, तो पैनर मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। और चेन मैंने ल्यूप कर ली है, ऑल सेट। और थोड़ा सा वेदर आज खराब लग रहा है, लेकिन चलो अच्छा है, धूप नहीं रहेगी ना तो टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज 44 डिग्री चल रहा है बॉस, इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही है कहीं राइड करने की। एनीवेज अभी गज के ऑलमोस्ट 11 निकल रहा हूँ, आई थिंक 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पूरा हाईवे अभी बन चुका है तो मेन हाईवे से जा रहा हूँ, वो अंदर वाले रास्ते से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हाईवे बन चुका है ना। मस्त भगाते भगाते गाने सुनते सुनते जाएंगे। चलो ऑल सेट, बाय बाय कजू कजू, बाय बाय, ये डिस्काउंट। चलो निकलते हैं। अब मैंने नाम तो शॉर्टलिस्ट कर लिया दोस्तों, तो 4-5 नाम हो चुके हैं अपने फाइनल, उसमें से एक मैं ये ट्रिप ख़त्म होने से पहले रख ही दूंगा। रॉयल एनफील्ड है, चलो जय श्री राम। अबे चलो बे, बहुत ही स्लो कार्यक्रम रहता है यार इधर, और वही अपना हमेशा का, अपनी ट्रेन 1 घंटा लेट होती है लेकिन कोप अप भी कर लेती है। आज आएगा मज़ा बहुत दिनों बाद। वैसे ठकुरान जी तो पुणे गई है तो इसीलिए मैं एक्चुअली यहाँ पाया, तो वो भी आराम करने गई है और मैं भी आराम करने गया हूँ। होता क्या है ना, हम बहुत ही, हमारा लाइफ इतना हेक्टिक हो गया है ना जब से हरिका हुई है, मतलब अच्छी बात है लेकिन बहुत हेक्टिक हो गया है। मतलब हम दोनों वर्किंग हैं, ऊपर से हम दोनों न्यूक्लियर फैमिली, कोई हेल्प नहीं, सब हमको ही मैनेज करना है एवरीथिंग। तो सोचा कि चल एक काम कर, तू पुणे जा आराम कर, उनकी उसकी बहन वहाँ पे रहती है और मैं अकोला चला जाता हूँ, मैं भी आराम करता हूँ। तो मैं भी मस्त, 3-4 दिन से आराम तो हो नहीं रहा है, वैसे वीडियो चल रहे अपने, लेकिन चलो ठीक है। वैसे आपको मैं ये वीडियो में कुछ नाम सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ कमेंट करके आपको कौन सा पसंद है वो बता देना। अरे अपना ADS शुरू करते हैं। ओके, इसमें मैंने मेमोरी कार्ड भूल गया था डालना, तो कल मैंने वो भी डाल दिया। अभी कंटिन्यू फ्रंट और रियर जो रिकॉर्डिंग है डैश कैम की, वो चलती रहेगी, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा PKV, बहुत ही फेमस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है अकोला की, इनफैक्ट इंडिया में फेमस है, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा इनका एक यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, इट हेरिटेज डिज़ाइन है। और कितना सही ना, विद इन 5 मिनट्स में सिटी के बाहर ऑलमोस्ट आ गया और हाईवे चालू हो गया। वैसे मेरा प्लान था नागपुर राइड करने का, लेकिन गर्मी की वजह से भाई हिम्मत हुई नहीं मेरी तो, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, सोचा था मीटअप वीटअप करेंगे मस्त, लेकिन अकोला में भी मीटअप नहीं हो पाया इस बार। एक बार ना टायर प्रेशर चेक कर लेता हूँ, 27-32, ठीक है सॉर्टेड। देखते हैं आज कितने टाइम में पहुंचते हैं। वैसे निंजा से मेरा रिकॉर्ड है 1.5 घंटे में अमरावती अकोला। मैंने 3 राइडर्स देखे, तीनों अफ्रीका ट्विन पे थे, इतना अच्छा लगता है यार हमारे एरिया में राइडर्स ऐसे, वाह वाह वाह, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस हाईवे यार, नहीं तो यहाँ पे आने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अभी इतना अच्छा हाईवे हो गया है, तो हमने तो इतना सहन किया है गाइज, आपको क्या पता है, बचपन से देखते आ रहा हूँ, हमारे पप्पा लोग भी बोलते हैं उनके बचपन से भी क्या रास्तों की हालत थी, विदर्भ को किसी ने देखा भी नहीं था, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था, ये हाईवे तो पूरा मौत था, इस पे तो बाइक मतलब लाने का ही नहीं बाइक करा, ऐसा हाईवे था पहले, ऑथेटिक। इनफैक्ट अकोला के रोड पे इतने घटिया थे क्या बताएं आपको, लेकिन नाउ वेरी ग्लैड कि थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत अच्छे रोड हो गए हैं। देखो वहाँ तक बाउंड्री है, मतलब ये 6 लेन भी हो सकता है, इतना इन्होंने पहले करके रखा है। महाराष्ट्र में सबसे निग्लेक्टेड एरियाज में से एक था विदर्भ, फिर मराठवाड़ा, खानदेश, कुछ नहीं, सिर्फ वो वेस्टर्न लाइन में उधर ही लोगों का ध्यान था, गवर्नमेंट का ध्यान था, यहाँ पे किसी का कभी ध्यान नहीं था, अब जाके कहाँ चीज़ें बदली है। टेम्परेचर वैसे कम है आज, 39 डिग्रीज, क्योंकि बादल काफ़ी सारे हैं। ओ राइडर्स गाइस, ये पूरा अफ्रीका ट्विन का ही ग्रुप है, आगे 3 थे यहाँ पे 4 है, वाओ बहुत बड़ा ग्रुप है यार, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, शायद नागपुर या कोलकाता साइड से आ रहे होंगे। ये हाईवे स्ट्रेट जाता है कोलकाता, मतलब छत्तीसगढ़ रायपुर ऐसा होके जाता है। मेरा प्लान है कि कभी ना कभी मैं ये राइड करूँ, देखते हैं। भंडारा 284 रायपुर 500 किलोमीटर ओनली, मतलब एक दिन में यहाँ से रायपुर आराम से जा सकते हैं। 115 रुपये टोल है यहाँ पे कार का,
और ये रहा टोल प्लाजा, बहुत ही मिनिमल है यार, कुछ है ही नहीं। वैसे भी फास्टैग ही है अभी। बहुत प्यास लगी है यार, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए जगह नहीं मिल रही है, एक पेड़ होता तो मजा आ जाती। ट्रक आते हैं क्या यहाँ पे? अरे यार छाव दिखी इसलिए रुक गया। वो बात सही है, आपकी मर्जी पे आना जाना चालू करते ना। अच्छा चलो ठीक है। गर्मी में इतना क्या करें, अभी करना पड़ता है, सेफ्टी है। सबको वही टेंशन आता है गर्मी में, भाई साहब ये सब क्या करते हो आप। एक पेड़ की अहमियत हाईवे पे समझ आती है। ओहो क्या बात है, ये फ्लाईओवर भी बन गया, मतलब ये पूरा हाईवे ही बन गया। मतलब गाइस आपके लिए बहुत अच्छा पे ऑप्शन है, अगर आपको नागपुर राइड करना है बढ़िया रोड ये हाईवे। समृद्धि पे तो बाइक अलाउड नहीं है, लेकिन एक नंबर मजा आ जाएगा आपको। इनफैक्ट मुंबई टू धूले उससे ज़्यादा मजा आपको इधर आएगा, धूले टू नागपुर। आप नागपुर राइड कर सकते हो, शेगांव राइड कर सकते हो, अकोला राइड करना है तो अकोला राइड कर सकते हो, चिखलदरा जा सकते हो अमरावती से, ताड़ोबा नागपुर के आगे चंद्रपुर के वहाँ पे वो भी राइड कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है विद इन महाराष्ट्र ये साइड हमारे, तो आइए हमारे वेदर कभी, बस सही वेदर में आना, मतलब मानसून में आइए या विंटर में आइए। अमरावती 62 बहुत फास्ट आ गया यार, आधा घंटा भी नहीं हुआ। वाह भाई वाह, क्या ही बना दिया यार। यहाँ पे तूफान चाहिए, तूफान लेके आना पड़ेगा। ओके गाइस, सो 800 किलोमीटर्स ऑफ टेस्टिंग इज ऑलरेडी डन ऑन दिस अपकमिंग राइडर रोवर टूरिंग जैकेट। देखो अभी 40 डिग्री सेल्सियस में भी मैंने ब्रेक लिया, तो आई एम यूजिंग इट, मैंने निकाला नहीं क्योंकि इट्स वेरी एयरी। तो काफ़ी अच्छा मैश पैनल है और बहुत ही हैंडी है यार, एक चीज़ है यार टूरिंग जैकेट, प्लस काफ़ी सिक्योर भी फील कराता है। वैसे थोड़ा सा अच्छे से और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। वैसे इसके अंदर वाटरप्रूफ पॉकेट्स भी है, तो इन केस अगर आपको बारिश में टेंशन है तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये जिपर, ये भी वाटरप्रूफ है। और प्रैक्टिकलिटी का काफ़ी ध्यान दिया गया है, देखो यहाँ पे हुक है, इन केस अगर आपको चाबियाँ लटकानी है तो आप वो कर सकते हो। इनफैक्ट अंदर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको इजीली एक्सेसिबल जो पैड्स है उसको आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे अंदर भी पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, यहाँ पे भी पॉकेट है, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये जैकेट कब अवेलेबल होने वाला है, तो वेरी सून इट्स गोइंग टू लॉन्च। इसकी प्राइस अभी तक मुझे नहीं पता, तो काफ़ी लोग प्राइस भी पूछ रहे हैं, तो जैसे लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे राइडर के प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी के होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। वैसे आपके पास अगर हाइड्रा पैक है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं यूजुअली टेल बैग में रखता हूँ इसीलिए आई डोंट वेयर इट। समटाइम्स अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वेयर भी कर सकता हूँ, या तो सिर्फ ब्लैडर पीछे लगा सकते हैं आराम से। ये देखो यहाँ पे बड़ा सा पॉकेट है। चलो 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ और फिर निकलते हैं। ये यहाँ से एक टर्न आता देखो वाशिम की तरफ कारंजा लाड, तो यहाँ से भी समृद्धि महामार्ग ज्वाइन होता है। तो ये हाईवे से मल्टीपल एंट्रीज है, अकोला के वहाँ से एक एंट्री है, फिर आगे से एक एंट्री है, मूर्तिजापुर से एंट्री है, फिर यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ से आई थिंक कुछ 20-30 किलोमीटर होगा। ये हाईवे के पैरेलल ही है, थोड़ा अंदर है। अरे भाई यहाँ क्या हो गया, बैरिकेड्स लगा दिए महाराष्ट्र पुलिस। वैसे काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया आपने ये डिवाइस तो लगा दिया लेकिन ये डिटैच होता है क्या? तो डिटैच तो होता है, लेकिन वो थोड़ा 3 स्क्रू निकाल के इतना इजीली नहीं डिटैच होता, तो मैं तो मोस्टली इसको डिटैच नहीं करूँगा क्योंकि वायरिंग भी वहाँ से डिटैच करनी पड़ेगी। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन अब लॉन्ग राइड में रोज़ कौन करेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, एकदम पतला वाला कवर कैरी करता हूँ हमेशा। तो ऐसा अगर लगा कि होटल का पार्किंग थोड़ा सेफ नहीं है ना, तो कवर चढ़ा देता हूँ बाइक पे, तो कैसा बाइक दिखती नहीं है। लेकिन जो तूफान वाला डिवाइस आया है वो डिटैचेबल है, तो वो अभी जाके अपन लगाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे ये मुझे स्पीड का बोर्ड दिख गया, तो यहाँ पे एक रील बनाता हूँ, एक आइडिया है अपने पास जो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलो कीजिए वंडर सीन। चलो आ गए अमरावती बाईपास, अमरावती का रोड अंदर गया, आप आगे से जाएंगे क्योंकि वहाँ से भी अपना घर नज़दीक आता है, वहाँ से एक राइट है, सॉरी लेफ्ट है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन डाल देता हूँ। वैसे चलते गाड़ी में आई डोंट रेकमेंड, लेकिन अभी पूरा खाली हाईवे है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, मोबाइल निकालने का काम नहीं है भाई, यही फायदा है इसका। ये हो गया जी अपना डायरेक्शन स्टार्ट। वैसे आपको इसकी ब्राइटनेस अगर नहीं दिख रही होगी तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, अब इसके बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे जितना दिख रहा है मैंने उतनी ही रखी है। म्यूजिक बंद नहीं होना चाहिए भाई। लो जी आ गए अमरावती। वैसे आपकी भाभी बड़ी मिस कर रही होगी ये वीडियो देख के। अमरावती को भाई मुझे नहीं, मजाक कर रहा हूँ।
अच्छे खासे दो ब्रेक लिए मैंने, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ ब्रेक्स, और अभी दो घंटे भी हुए नहीं है, मतलब मैं लिटरली एक घंटे में पहुंच गया। दिस कैन बी माई फास्टेस्ट PDMMC अमरावती। ओ भाई क्या टाइमिंग है यार, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बस 6 मिनट्स दूर हूँ। प्लीज 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 ज़्यादा मत बरसो प्लीज, थोड़ा सा बूंदाबांदी ठीक है, लग तो नहीं रहा है ज़्यादा बरसेगा, लेकिन यू नेवर नो। सिग्नल भी अभी लग गया, चलो नसीब, बूंदाबांदी थी और बराबर 1 बजे अपन पहुँच गए अमरावती ससुराल। हाँ दिस ते हे फिल्म लागली आहे वर पूर्ण, याला तुम्ही खूप लावलं ना नवीन, काय काय? हा खूप काय, 70-80 हजाराचा सामान लागलाय। मागे घेऊ का, थोडी समोरून दिसणार नाही अशी, ते हिरवी गाडी होती तेवढी तशीच आहे वर्सेस सारखी। हा हा म्हणजे टाईप तो आहे ऍडव्हेंचर बाईक, चालवताना नाही समजत तशी जड आहे, 200 किलो आहे, नाही जास्त आहे, हा हे खूप मोठा आहे, हे सगळं मी लावलं आहे, हे सगळं हे वरचं हँड गार्ड एकदम जागाच जागा आहे, हे ॲल्युमिनियम इथं बांधून मी आणलेत, याच्यावर सामानचं टेन्शन नाही आहे। चलो टॉप बॉक्स निकाल लेते, बहुत भूख लगी है भाई, मुझे तो 100 किलोमीटर समझ में नहीं आया यार, एकदम फ्रेश हूँ मैं। ये देखिए हमारे ठाकुरन जी का कितना बड़ा पार्किंग है, वेल डन। चलो ये टॉप बॉक्स बहुत ज़्यादा भर गया, अभी इसमें काफ़ी कुछ डाल दिया है, नहीं नहीं ती स्पोर्ट्स बाइक है ना, ती सुपर बाइक है। ओह माय गॉड, अपना टॉप बॉक्स काफ़ी हेवी हो गया गाइस, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अभी कभी यूज़ नहीं किया ना इतना हेवी ये गाड़ी पे, तो ये लाया था तो काइंड ऑफ खाली था, तो अभी जा रहे तो फिर थोड़ा कैरी, आई थिंक 3-4 किलो तो कैरी है, थोड़ी दाल यहाँ की तो 5 किलो दाल, तो ऐसा कर करके अच्छा खासा वेट हो गया है। पूरी टेस्टिंग की जा रही है हिमालयन 450 की, इसके पहले कि मैं कोई लंबा प्लान बनाऊँ, तो मेरा रुकने का प्लान तो था लेकिन टाइम ही नहीं है, क्या करें, अब कल गांव भी जाना है और परसों मुझे कुछ भी करके मुंबई के लिए निकलना है, लेकिन मस्त खाना हो गया एकदम, 1-1.5 घंटे की नींद होगी, आहा फुल फ्रेश। वैसे 37 डिग्रीज राइट नाउ, और आज भाई इंद्र देवता प्रसन्न है, आज धूप ज़्यादा नहीं थी, बस आई होप ऐसे ही रहे, बारिश ना आए। और ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप नई बाइक लेते हो, कोई फैब्रिकेशन करते हो, एक्सेसरी लगाते हो, तो डायरेक्टली लंबे राइड पे जाने के पहले थोड़ा सा 500-1000 किलोमीटर थोड़ा उसको चला लो, शॉर्ट राइड कर लो, अगर कुछ इशू रहा तो एटलीस्ट वो इशू पता चलेगा और वो पहले रेक्टिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं कि लंबे राइड पर निकल ले और बाद में कुछ लफड़ा हो गया और फिर हम फंस गए। अब लफड़ा होने को तो कभी भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मन की तसल्ली तो हो रही है। ओके कहाँ गए, मासी का घर कौन सा है, कौन सा है कौन सा है कौन सा है, हाँ रहा। मी आलो दो किती 1 वाजता, जेवण केलं जरा झोपलो यार, झोप आली एकदम त्या आंब्याचा रस खाऊन। तो भाई 210 किलो का हाथी, ऊपर से ये 15 किलो का इसमें सामान, मतलब 225-30 किलो, उठा के दिखाओ। आराम से आराम से आराम से, हेवी है क्या? दादा दी आहे मोठी पण आहे, 450 आहे पण पॉवरफुल आहे। चलो अकोला डाल देते इसमें, आ गया अकोला, 1 hour 34 minutes को अपन हरा देंगे। हे आपलं कारमध्ये कसं असते, सगळं तसंच आहे हे भाई, अरे वा अँड्रॉइडच आहे, आता हे मॅप्स इकडे गाणे
म्युझिक ऐकत होते, म्युझिक कॉल किती हायटेक झाला है ना कुठे ऐकू येते हे ते कार साठी पण भेटतात. अरे भाई कॅमेरा आणि मग पॅनलही आहे इथे. जर टायर प्रेशर हे कंपस आहे, अल्टिट्यूड आहे. आम्ही लद्दाख जातो तर अल्टिट्यूड आम्हाला इथे दिसते. आता नॉर्मल आहे, सिंगल आहे ना. थोडा टायगर सारखा आवाज आहे, हलकासा. ठीक आहे येतो मग. हो चलो. हे आहे ना लावलेलं आहे. चलो बॉस निकलते है वापस अकोला. अभी बजे है 7:15, तो आई थिंक 8:15 तक पहुंच जाऊंगा. ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत स्ट्रांग लाइट्स है. लेकिन फैमिली को मिल के बड़ा अच्छा लगता है. बहुत खाया भाई, बहुत खाया. फिर 2-3 घंटे हुए नहीं कि यहाँ पे भी ब्राउनी आइसक्रीम. ओहो ऊपर से खीमा भी पूछ रही थी मासी. मैं बोला नहीं पैक करके दे दो, घर जाके खाएंगे. वैसे कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये सब क्या लगा के रखा है, डिस्ट्रैक्शन होता है. अरे डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब राइडर वॉन्ट्स टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. और इसीलिए मैंने ये सामने नहीं लगाया. सामने लगा के ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली नज़र जाती है. यहाँ मेरी नज़र ऐसी नहीं जाती. मैं जब नीचे देखता हूँ तब मुझे ये दिखता है, वैसे मुझे दिखता नहीं है क्योंकि हेलमेट की जो चिन है कैमरा है ना ये आ जाता है बीच में. मुंबई कोलकाता हाईवे या तो कोलकाता सूरत हाईवे, जो चाहे कह लो. चलो एक बार चेक कर लेता हूँ सब सही है ना, क्योंकि बहुत हेवी है ये. तो थोड़ा सा एक बीच बीच में चेक करते रहना मुझे लगता है सही है. ठीक है वैसे तो स्मूथ रोड है, कोई टेंशन नहीं है. और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं भूल गया अपने बाइक के लिए जो नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किया आपको दिखाता हूँ. तो ये है फाइनल लिस्ट. अब आप बताओ कमेंट्स में कि कौन सा नाम अच्छा लग रहा है. एटलस, योद्धा, ऐरावत, हिमाद्री, बादशाह, शिखर, वायु, फाइटर, सार्जेंट, मावड़ा. अब इसमें से मुझे अच्छे लगे हैं एटलस, ऐरावत, सार्जेंट और मावड़ा और वायु. और ये सारे जो नाम है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग रिलेटेड है ये बाइक से, इसीलिए ये नाम मैंने सिलेक्ट किए. तो अभी आप बताओ कमेंट में, जल्द से जल्द अपने को नाम फाइनल करना है. चलो थोड़ी सुसु कर लेता हूँ फिर निकलते हैं. ऑलराइट लेट्स गो. लाइट लगा देते हैं. वाह रे वाह क्या बात है. रात को मुझे लगा नहीं था यार मैं 110 के आसपास क्रूज करूंगा. अपने जो लाइट्स है 70 वॉट HJG बॉस, फुल कॉन्फिडेंस. अब आपको गोप्रो में इतना नहीं दिख रहा होगा, रियल लाइफ में इट्स एक्सट्रीमली ब्राइट. ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स मोर. मस्त आराम से चल रहे हैं, गाने वाने सुन के बढ़िया मजा आ रहा है. मुंबई पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है बाइक का ऑर्डर हो जाएगा अराउंड 2000 मे बी 300 और 400 मे बी 2500 तक हो जाए. सही है, मतलब सिर्फ 2500 बचेंगे नेक्स्ट सर्विस के लिए. तो नेक्स्ट लॉन्ग राइड के पहले सर्विस कर लेना पड़ेगा, तो चला लेंगे. चलो 2500. ओह माय गॉड, ये देखो गाइस 8 भी नहीं बजे हैं एंड आई एम एंटरिंग अकोला. उसमें भी मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया. अभी सोचा नहीं था अमरावती अकोला 45 मिनट्स में आ जाऊंगा. ये भाई ये अपना फास्टेस्ट है अभी. लेकिन आई एम नॉट प्रमोटिंग हाई स्पीड, प्लीज गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है. अपने हिसाब से चलाइए बट राइड सेफ. लो जी आ गए बढ़िया है. काजू तो बाहर नहीं है ना, तो एक्चुअली बाहर भाग के आते हैं ना रोड पे जाते, इसलिए अगर आ गया तो यहाँ पे बांधते हम. तो एक बंदा कमेंट कर रहा था कि यार कितने जुल्म कर रहे हो. अरे क्या जुल्म यार, कुछ भी मतलब काजू को दिखाना मतलब प्रॉब्लम हो गया है. और जो लोग ये बोलते हैं ना कितने गली को कुत्तों को तुमने बचाया है खिलाया है वो बताओ ज़रा. बोलने के लिए बहुत ईजी है, पता तो कुछ है नहीं. गणपति बप्पा मोरिया जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. ये देखो कौन से एंगल से ये आपको इस पे जुल्म हुए लग रहे हैं बताओ. अब तो ऐसा हो गया ना, इसका क्रेट अगर किसी को दिखा वीडियो में तो कमेंट आ गए थे क्या इसको क्रेट रेट में रख रहे हो. अरे आपको पता भी है क्या, बड़े बड़े दिग्गज जो ट्रेनर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, क्रेट ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर डॉग. लेकिन लोगों को लगता है हम जेल में डाल के रख रहे हैं. अरे क्या यार, देखो यार खुद जाके सोता है रात को उसमें. अब क्या ये जेल में डालता तो ऐसा क्यों घूमता घर में. क्या काजू लोग समझते नहीं है यार, ये एनिमल राइट्स वाला एटीट्यूड है ना हर जगह काम नहीं आता. और जो लोग ऐसा एटीट्यूड दिखाते हैं ना
जाओ जरा गली के कुत्तों को संभालो, फिर उनको खिलाओ पिलाओ, फिर ये बात करो। किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करो ये गलत बात है। कुछ पता ही नहीं है किसी को इसके बारे में, हमारे बारे में, तो कैसे जज कर सकते हैं? ऐसा जजमेंटल नहीं बनने का ना। ये देखो ये देखो, अब कौन सा कुत्ता जिस पे अत्याचार हो रहे हैं वो इतना अच्छा खेलेगा बताओ? वो तो ट्रॉमा में रहेगा ना। क्या बताइए, क्या कीवर्ड वॉरियर्स। चलो हो चुका है हमारी आज की 200 किलोमीटर की राइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इसका नाम जो मैंने लिस्ट दी थी आपको उसमें से एक फाइनल करके प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब जल्द ही हमको नामकरण करना पड़ेगा। आज तो खीमा वीमा खाएंगे। वाह वाह वाह, इतना हैवी है यार ये, अभी इसको आराम से निकालना पड़ेगा। बाबा सही है बॉस, इतना हैवी बहुत अच्छे से पकड़ लिया। वेल डन 450, तेरा नाम जल्द ही रखा जाएगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए। बाय बोल बाय।